जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन पर। और आज हम जानकारी देंगे दिल्ली पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है इसके बारे में, इसकी हम विस्तार से बताएंगे कि कब से इसके फॉर्म पड़ने शुरू होंगे, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, कब तक नोटिफिकेशन आएगा और क्या इसका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों फैला दो इस वीडियो को दूर तक, सब लोगों में फैला दो इसको। और अब देखिए, हम जानकारी देंगे दिल्ली पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है, ये भर्ती 2023 में देखने को मिलेगी। इसलिए हम दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 इसलिए लिखे हैं, पद आएंगे 6000 प्लस, ठीक है। और नोटिफिकेशन इसका आउट होगा और प्लस फॉर्म डलने जो शुरू होंगे अभी तक के अनुसार 2 मार्च 2023 से, और लास्ट डेट फॉर्म डलने की रहेगी 31 मार्च 2023, ठीक है दोस्तों। और इसमें एज का जो क्राइटेरिया रहेगा 18 से 25 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी, और ओबीसी के लिए 18 से 27 रहेगी, एससी एसटी के लिए 18 से 30 रहेगी, और हाइट पुरुष की 170 रहेगी, फीमेल की 157 रहेगी। हाइट का जो क्राइटेरिया देख लें, 170 और 157 फीमेल के लिए। मेल के लिए जो इसमें रेस है फिजिकल स्टैंडर्ड में, तो उसमें जो 1600 मीटर 6 मिनट रहेगा, और फीमेल के लिए 1600 मीटर के लिए 8 मिनट मिलेंगे। इस रेस को इतनी आसान ना लें, रेस में बहुत बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग जंप इसमें 14 फिट रहेगी मेल के लिए, फीमेल के लिए रहेगी 10 फिट, ठीक है। और हाइट जो है हाई जंप रहेगा 3.9 फिट, मतलब 4 फिट मान के चलो, 4 फिट लमसम पुरुषों के लिए, 3 फिट महिलाओं के लिए हाई जंप। इसके बाद में डीएल इसमें अनिवार्य रहता है, आप लोगों को जानकारी होगी, तो डीएल चाहिए, डीएल अपना बनवा लें। जो भी लोग फॉर्म भरने का टाइम इसका आ ही जाएगा, तो इसमें जो है शायद हैवी लाइसेंस मांगते हैं, तो जिन लोगों का बना हुआ अपने को हैवी लाइसेंस करा लें और अपना डीएल बनवा लें। पहले तो खाली डीएल मांगते, अब देखो क्या देते हैं, हो सकता है कि हैवी ना मांग लें, तो इसलिए अपना डीएल बनवा लें। और दोस्तों अपनी पढ़ाई को एकदम दमदारी तरीके से कीजिए। 2020 में जो वैकेंसी आई थी 5800 पद आए थे, 5800 पद में आप देख लें मेरिट कितनी हाई रही है, बच्चों का सिलेक्शन जल्दी से नहीं हो, क्योंकि अगर वर्दी की नौकरी की बात आती है, बेल्ट की नौकरी में सिपाही, तो दिल्ली पुलिस सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फैमिली बच्चे आदमी रख सकता है, फिक्स ड्यूटी रहती है, टाइम टेबल बढ़िया रहता है, और केंद्र सरकार की नौकरी के आती है, और अलाउंस वगैरह इसमें भत्ते ज़्यादा मिलते हैं, खाने का पैसा मिलता है ठीक ठाक, और हर तरीके से मतलब इसमें सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो इसलिए वर्दी की नौकरी में अच्छी नौकरी मानी जाती है दोस्तों। तो इसलिए इस बार मौका चूके ना, जिनकी भी इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, हाइट वगैरह, और इसमें क्वालिफिकेशन 12th है, 12th जो है क्वालिफिकेशन रहेगी, 12th पास चाहिए, 12th पास होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया जो पूरा करता है, तो अपना जो है इसकी तैयारी में एकदम लग जाइए अभी से। अब ये नहीं सोचिए कि कब क्या, अभी से लग जाइए। इस बार ये सोचो कि हमको दिल्ली पुलिस का सपना पूरा करना ही है, और हर हालत में पूरा करना है, और अपने माँ बाप का और अपने जो रिश्तेदार हैं मिलने जुलने सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और सब मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसकी जो भी जानकारी होगी हम आपको ज़रूर देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।